इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग है, इसके अंदर सेफ्टी लॉक्स हैं, हम इसमें एंटी लॉकिंग ब्रेक्स लगवा रहे हैं, इसमें रीजनरेटिंग बैटरी डाल रहे हैं, और ये एक टैक्सी से बेटर प्रोडक्ट है थ्री व्हीलर में। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट हूँ। यहाँ ऑटो एक्सपो 2023 लगा हुआ है और इस ऑटो एक्सपो 2023 में आज मैं आपको ऑटो ही दिखाने वाला हूँ। और एक ऐसा ऑटो है जो चूहे की तरह बना है, लेकिन इसकी खासियत हाथी से भी ज़्यादा है। ये चूहे की तरह आपको दिख रहा है, असल में इसका नाम भी म्यूज रखा हुआ है। ये म्यूज ऑटो है और इस म्यूज की जो खासियत है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये शायद भारत का क्या दुनिया का पहला एक ऐसा ऑटो है जिसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ये एसी इसके अंदर चलता है। बाकी अगर हम इसकी खिड़कियों की बात करें, इसके अंदर के डिज़ाइन की बात करें तो बेहद ही अलग है। अगर इसकी खिड़की की बात करें तो एक शानदार तरीके से ये खुलती है, और जिस तरह से आपने एक फैंसी गाड़ी में इस तरह की खिड़की खुलती देखोगे, इसी तरह से इसकी खिड़की जो है ये खुलती है। बाकी अगर हम सीट की बात करें, ये ड्राइविंग सीट है और ड्राइविंग सीट बिल्कुल एकदम अलग है, एकदम बिल्कुल बिंदास यहाँ पर ये दी गई है, बिल्कुल टॉप की यहाँ पर ये सीट दी गई है। इसके अंदर सनरूफ भी दिया हुआ, जैसा कि आम जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर सनरूफ लगा होता है, इसके अंदर भी सनरूफ लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ भी ये एयर कंडीशनर का सिस्टम है, और सामने अगर देखें तो एक बड़ी सी डिस्प्ले यहाँ पर लगाई गई है, और स्टेयरिंग भी काफ़ी मस्त इसका है। नीचे भी बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन दिए गए हैं। और अगर पीछे की बात करें तो पीछे यहाँ पर सवारियों के बैठने के लिए ये काफ़ी बड़ी सीट है, हालांकि 3 सवारियों के लिए बैठने की बात की गई है, जबकि अगर इस सीट पर अगर बात करें तो 5-5 सवारियाँ, 6 सवारियाँ भी आसानी से बैठ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, इसके मॉडल की पूरे की, तो पूरा ये शीशा भी लगा हुआ और इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप इसे जाड़े में, गर्मियों में और बरसात में भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव इसका ये मॉडल है, ये पीछे से ही बना गया है। मैं अगर कंपनी की बात करूँ तो म्यूज इसकी ये कंपनी है, और कितना अट्रैक्टिव ये पीछे से बना गया। बाकी इसमें क्या खास बात है, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कौन सी इसके अंदर बैटरी है, और कितने रुपए में आप इसे खरीद सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और इसकी पूरी जानकारी आपके सामने तक लाना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम उदय नारंग है, मैं ओमेगा सेकी मोबिलिटी का चेयरमैन और फाउंडर हूँ, एंड इसके अंदर म्यूज के अंदर हमने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है जिसमें ये एरोडायनामिक है। इसके अंदर आप अगर देखिए, इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, इसके अंदर एयर कंडीशनिंग है, इसके अंदर सेफ्टी लॉक्स हैं, हम इसमें एंटी लॉकिंग ब्रेक्स लगवा रहे हैं, इसमें रीजनरेटिंग बैटरी डाल रहे हैं, और एक और बात, इसमें आप इसकी सेफ्टी देखिए, आप कंफर्ट देखिए। तो ये एक अल्टो है थ्री व्हीलर में, और इसका हमारा एडवांटेज ये है, हमारे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं ठंडी में, अगर गर्मी में, तो बहुत सेफ़ हैं। अगर हमारे माँ बाप अगर सेफ्टी में जाना चाहें ठंड में या गर्म में, बैठ सकते हैं। और एक और बात, लेडीज़ अगर इनको जाना है तो वो इसमें बहुत सेफ रहेंगी। इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें इतनी सेफ्टी है, और ये एक टैक्सी से बेटर प्रोडक्ट है थ्री व्हीलर में। तो लोगों की जो उनका कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, और एक और चीज़ ये है कि इसको हम डिफरेंट वेरियंट्स, 6 डिफरेंट वेरियंट्स, कलर, कॉस्टिंग, और लास्टली इसको हम स्वॉप में भी निकाल रहे हैं। और अभी इसकी करंट प्राइसिंग 4,10,000 है। सर जैसे आपने बताया था कि इसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो सर इसमें हवा पास नहीं होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमने पूरी टेस्टिंग करी है, हमने पूरी समर इसमें टेस्टिंग करके निकाला है, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कूलिंग, और अब हमने इसको विंटर में भी टेस्टिंग हो रही है, जो कि अभी यहाँ 0 डिग्री का टेम्परेचर होता है, यहाँ ठंड माइनस भी जाता है। अभी हम इसको शिमला में टेस्टिंग कर रहे हैं कि इतने कोल्ड वेदर में भी चले, तो आपका इसमें कोई भी हमें एयर लीकेज नहीं देखा। हम इसको फर्दर रिफाइन करेंगे और नेक्स्ट 4 महीने में रोड पे लाएंगे। सर इसके अंदर बैटरी कौन सी यूज की गई है? हमने इसमें भी LFP की बैटरी यूज़ करी है, हम NMC की भी बैटरी देख रहे हैं, लेकिन हम इसमें स्वॉप का भी लाने वाले हैं, बहुत जरूरी। सर जो इसके अंदर बैटरी यूज की गई है, अगर जब वो एक बार फुल चार्ज हो जाएगी तो कितने किलोमीटर तक चल जाएगा? देखिए अभी जो लगाई है वो 100 किलोमीटर चलेगी, अगर हम स्वॉप में लाएं तो वो भी 100 आ जाएगी, लेकिन हम इसमें 150 किलोमीटर के रेंज का ऑप्शन भी दे सकते हैं। सर ये जो बैटरी इसके अंदर लगेगी, जैसे इसे चार्ज होने में कितना टाइम लेगी और कितनी सवारियाँ बैठा सकता है? देखिए इसमें चार्जिंग में हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, अगर आपको 100+ किलोमीटर चाहिए, और अगर इसमें सवारियाँ तो हमने 3 का रखा है, लेकिन आपको इंडिया का पता है, अगर 3 की सवारी होगी तो वो 6 भी डाल देंगे, तो उसका कंट्रोल मेरे में नहीं है, लेकिन 3 का हमने इसमें डाला। फिर भी कितना वजन ले जा सकता है सर? ये तो अब देखिए, आप मैं आपको बोलूँ, हमने ऐसे बोला है तो इसमें कम से कम 250-300 जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है 500 तक लोग ले जाएंगे।
अच्छा सर, इस मॉडल पर आप कब से काम कर रहे थे आपकी कंपनी? ये प्रोडक्ट बहुत टाइम लगा है बिकॉज इसकी एरोडायनामिक बॉडी, इसके डोर्स, इसको ऑलमोस्ट हम 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो मार्केट में आ चुका है जैसा आपने लॉन्च किया है, आने वाला मार्केट में? ये नेक्स्ट 3 महीने में मार्केट में आ रहा है। हम इसका जरा सिर्फ एक सबको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते हैं, इसकी टूलिंग हो चुकी है और ये बहुत जल्दी आ रहा है। सर, जब ये मार्केट में आएगा तो लोग इसे खरीद क्या सकते हैं? कोई वेबसाइट अपनी या कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस वगैरह? देखिए सर, हम बहुत ही बिलीव करते हैं डीलरशिप्स में। देखिए, जो इंटरनेट से भी लोग लेते हैं, लेकिन ये है कंट्री हमारी जहाँ लोग टच, फील, स्मेल की सोचते हैं, उनको देखना चाहिए। तो हमारे ऑलरेडी 150 डीलर हैं, 200 डीलर मार्च तक हो जाएंगे, उनके थ्रू बिकेगा। अच्छा सर, ये मेड इन इंडिया पूरा या विदेशी टेक्नोलॉजी? 100% हमने जब भी प्रोडक्ट बनाया है मेक इन इंडिया बनाया है। हमने कभी भी एक प्रोडक्ट भी कभी भी बाहर से नहीं लिया और ये हमारी फैक्ट्रीज में इंडिया में ही बना है। सर, जैसे मेक इन इंडिया है तो इस पे क्या सरकार सब्सिडी भी देती है? हाँ जी, बिल्कुल देगी। हमने DHI में अप्लाई कर रखा है तो इसमें सब्सिडी जरूर मिलेगी। सर, इसका जो दूसरा मॉडल भी आपने दिया है, ये दूसरे मॉडल की क्या खास बात है सर इसकी? देखिए, ये है, इसको हम कहते हैं क्रेज। ये दुनिया का सबसे बड़ा पहला AC, बट स्टर्डीनेस देखिए, ये हमने बनाया है Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज के लिए। देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, जब आपके सेफ्टी के लिए चाहिए, तो ये हमने एक और प्रोडक्ट बनाया है कि जो हमारी जो रोड्स हैं Tier 2, Tier 3, 4 सिटीज़ में, वो बहुत ही ख़राब हैं बारिश के टाइम। ये एक मर्सिडीज जी वैगन की तरह है। अगर आप जी वैगन देखें तो पूरी जी वैगन बना रखी है। मैंने ये सोचा है कि इस कंट्री में हमारे 125 करोड़ भाई बहनों को ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी मर्सिडीज वाला फील आना चाहिए अपने गाँव में, अपने शहर में, मुरादाबाद में, इसको हम अमरावती में, आंध्रा में और सारी कंट्रीज में लें। CA, मेरा यही लक्ष्य है कि मैं इस कंट्री में Tier 2, 3, 4 उस सिटीज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन लाएं, तभी काम होगा। हमने इसकी इंस्टॉल में, हमने इसको लीज मॉडल पे भी रखा है और हमने इसको रेंटल मॉडल पे भी रखा है और बहुत सारे नए फाइनेंसिंग मॉडल्स पे निकाल। अच्छा सर, कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत 4 लाख है और स्वाप के बाद ये 3 लाख पे भी आ सकता है। स्वाप का सिस्टम लगाया है इसमें? अभी इस पे हम ऑलरेडी काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, बहुत ही सून आएगा। अच्छा सर, इसमें कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? देखिए, इसमें तो हमने 3 की सवारियां रखी हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4-5 बैठ सकते हैं और सामान के भी पीछे रख सकते हैं। अच्छा सर, कोई वेबसाइट अपनी, कोई कॉन्टैक्ट नंबर जो कस्टमर केयर नंबर हो कुछ बता? आप बेसिकली हमारे वेबसाइट में जाइए osmmobility.com में और आप देखेंगे वहाँ नंबर, डीलर, क्वेश्चन आंसर सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। आप हमारे पे रीच करिए, हम आपको हर एक के पास वापस आएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन से और हम डीलर्स को भी भेजेंगे।